नमस्कार, आप देख रहे हैं दरी स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से आपको बताते चलें, लगभग 3 से 4 दिन पहले जब 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए तो ब्रह्मेशी बाबरा स्कूल ने बाजी मारी। कल जब 12 बजे के करीब जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट आता है उसमें भी ब्रह्मेशी बाबरा स्कूल ने ही टॉप किया है। काफ़ी उधमपुर के लिए एक खुशी की बात है कि उधमपुर का नाम रोशन किया है स्टूडेंट्स ने, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, टीचर्स का नाम रोशन किया। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अपना नाम बता दें। खुशी। खुशी, ये बता दो फिर कितनी खुशी हुई आज? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो इस इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट होना है बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स लाना फिर खुशी तो होगी। कितने मार्क्स आए हैं? 95.7%। 95.7% तो कोई पार्टी तो बनती है फिर। हाँ ज़रूर। करानी नहीं है? हाँ पाइए घर पर हम। क्या बात है, आप अपना नाम बताओ। स्नेहा मोदी। आप ही कितने मार्क्स आए हैं? 95.17%। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी है, सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने, बाकी अलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, बड़ी दीदी जी की ब्लेसिंग्स हैं, उसी का रिजल्ट है कि आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपने अपने आप को सपोर्ट नहीं किया इसका मतलब? नहीं नहीं, खुद का तो सपोर्ट रहता ही है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारे टीचर्स का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, बड़ी दीदी जी की ब्लेसिंग्स, अलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग्स, वो सबसे पहले आती हैं। देखिए, लॉकडाउन में स्टडी करना कितना मुश्किल था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपने फर्स्ट टाइम ऐसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं, तो क्या मुश्किलें नहीं आती थी आपको? ये सबके लिए न्यू एक्सपीरियंस था, लेकिन टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से सभी चीज़ मैनेज की, और हमारे पेरेंट्स ने हमें फुल सपोर्ट किया, फुल गाइड किया। उन्होंने कभी भी हम पे कोई प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने कहा जस्ट कंटिन्यू करते रहो आप स्टडीज़, तो बाकी सब हो जाएगा। क्या बात है, आपका नाम? मेरा नाम कनिष्का है। कनिष्का, सब आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या टिप्स देना चाहेंगे? आप किस तरह से स्टडी करते थे कि जो आज आपका मेहनत का फल आपको मिला? स्टडीज़ मेरे अकॉर्डिंग पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए, कोई दिन मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़रूरी काम भी है फिर भी आप एटलीस्ट 1 to 2 hours लगाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, और डेली का टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, टीचर्स के साथ कोऑपरेट रखो, एक मोटिवेटेड रहो, पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो ताकि आप पे कोई स्ट्रेस ना आए। वेरी गुड। आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम समीहा है। समीहा, मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपसे। आजकल की जनरेशन में आजकल देखने को मिलता है ऐसा, आपने भी देखा होगा, जब कोई स्टूडेंट अपने स्कूल से बाहर चला जाता है, जब 12th क्लास कंप्लीट करके जब कहीं और कॉलेज ज्वाइन करता है, तो जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया होता है आजकल के स्टूडेंट्स उनको भूल जाते हैं, तो क्या ऐसा ठीक रहता है, ऐसा भूलना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, अपने टीचर्स को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं लास्ट स्कूल से आई थी, मैंने वहाँ के टीचर्स को भी इन्फॉर्म किया एंड वो बहुत इमोशनल हो गए थे एंड वो बहुत खुश थे। एंड यहाँ पे भी मेरा बेस बना 9th-10th में, एंड मैं 11th-12th भी यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगी, एंड मैं अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल रहूँगी क्योंकि वो मेरी हर टाइम हेल्प करते हैं। आज कितनी खुशी हो रही है, इतने अच्छे मार्क्स आपने गेन किए हैं? बहुत खुशी हो रही है। पार्टी? पार्टी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कुछ और स्टूडेंट्स से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, पहले पेरेंट्स मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करूँगा। मुझे ये बताएं कि कितनी खुशी हो रही है आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक लिए हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। लेकिन आपने इसका नाम भी खुशी रखा है और आज हो भी ज़्यादा खुशी रही है, तो मतलब कितना एक गर्व महसूस करें अपनी बेटी को? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। जितनी परसेंटेज हम एज पेरेंट्स नहीं ले पाए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, उससे ज़्यादा जब बच्चे लेते हैं तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। तो आपको गिफ्ट नहीं दिया अपनी बेटी को? जो गिफ्ट ये मांगेगी हम इसको ज़रूर देंगे। क्या गिफ्ट चाहिए आपको? जी मैं ब्लेसिंग्स मांगना चाहूँगी और बहुत सारा प्यार। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इतने मार्क्स तभी ले पाई क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी और बड़ी दीदी जी की ब्लेसिंग्स थी, इनकी ब्लेसिंग्स के बगैर कुछ नहीं होता। और फिर टीचर्स हमारे साथ हमेशा रहती थी, उन्होंने पढ़ाया, उसकी वजह से इतने मार्क्स आए हैं। देखिए, मैंने आपके फ्रेंड से भी ये क्वेश्चन किया कि आजकल की जनरेशन में ऐसा होता है कि जब बच्चा 12th क्लास कंप्लीट करता है, किसी कॉलेज में जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने टीचर्स को भूलते हैं वो, तो क्या ऐसा भूलना चाहिए? मैं मानती हूँ आगे जाके शेड्यूल बिजी हो जाता है, पर हमें कम से कम थोड़ा टाइम अपने टीचर्स के लिए भी निकालना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। मैंने देखे हैं काफ़ी बच्चे जो अपनी स्कूलिंग कर लेते हैं, तो अगर उन्हें अपनी कभी टीचर्स मिलती भी हैं तो कभी उन्हें विश भी नहीं करते। तो मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी बेस बनाई है। जब तक बेस नहीं होती आगे बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तब आने वाले दिनों में क्या सोचा है कि क्या एक कौन सी स्ट्रीम रखेंगे आप, क्या ड्रीम क्या है आपका? जी मैंने मेडिकल रखी है और मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ जूलॉजी की। वेरी नाइस। कुछ और स्टूडेंट से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हार्दिक शर्मा है। हार्दिक, कितनी परसेंटेज आपकी? 95% है। 95%। क्या सोचा आप आने वाले दिनों में, क्या स्ट्रीम लेंगे, किस तरह से आगे आप? मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टर बनके क्या करेंगे?
एमडी करूंगा। एमडी मतलब इलाज लूज करना है अब आपने, क्या बात है। मैं कर पाऊंगी इलाज, कॉन्फिडेंस है अपने में? हाँ कर लूँगा, क्या बात है। आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम जिशांत कलसोत्रा। जिशांत कितने मार्क्स गेन किए आपने? सर 95.5%। कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देंगे, क्योंकि दीदी जी भी यहाँ पे हैं, टीचर्स भी यहाँ पे हैं, पापा भी आपके यहाँ पर हैं। सर ये बड़ी दीदी जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और खुद की भी मेहनत है, और टीचर्स स्कूल की सभी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की जिसकी वजह से इतने नंबर आ सके। देखिए सब आपको देख रहे हैं, टाइम टेबल में पूछूंगा कि टाइम टेबल कैसा था आपका, क्योंकि लॉकडाउन था, सब घरों में थे, क्योंकि पढ़ाई में अगर टीचर्स भी बात करें तो टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते थे, अपने घरों में बैठकर आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते थे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्कल को कि कैसे स्टडी की थी आपने और उनको भी कैसे नंबर जो है इतने गेन करने हैं? सर ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन सिस्टम में बड़ी मुश्किलें आई हैं, पर टीचर्स की सपोर्ट से सब कुछ ईजी हो गया। मेरा टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं था, रेगुलर पढ़ाई तो ज़रूरी है तो रेगुलर ही मैं पढ़ता था, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, बस एक टॉपिक, जितने टॉपिक कंप्लीट करने थे उतना रहता था, कोई फिक्स और नहीं थे पढ़ने के। क्या बात है। क्या आप जैसे आपका 95% आए हैं तो आपको लगता है कि 12th में आप 100% गेन करेंगे? सर कोशिश पूरी ज़रूर रहेगी। वेरी नाइस। इनके फादर से मैं बात करूँगा, सर अपना नाम बता दें। पवन कुलसोत्रा। पवन जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपका बेटा आपका नाम रोशन कर रहा है? हमें तो खुशी हो रही है, काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम तो अपने टाइम में इतना नंबर तो ले नहीं सके, अब ये बच्चे ले रहे हैं, हमें खुशी हो रही है। देखिए ना, आप खुद डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं आप, आपका बेटा भी आने वाले दिनों में डॉक्टर बनेगा, तो कितनी कितना गर्व करेंगे अपने बच्चे से? हमें तो काफ़ी गर्व है इन बच्चों पर कि आने वाले टाइम में ये आगे बढ़ें और कामयाब होते रहें। चलो मैं पेरेंट्स से भी बात होगी, स्टूडेंट से भी बात होगी, अब जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी अपने बच्चों को पढ़ाने में उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, जो टीचर्स हैं। मैम पहले तो स्टेट समाचार में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से काफ़ी मेहनत जो है टीचर्स ने की है, क्योंकि बच्चों ने तो की ही की थी, आपने भी काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि आपने मेहनत की है तो आज उनको फल, बच्चों का जो फल था वो मिला है, तो कितनी मुश्किलें आपको जो है लॉकडाउन के अंतर्गत आई? मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट दीदी जी का, उन्होंने हमें गाइड किया, देवराज सर थे, उषा मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बीच में जैसे बच्चों का रहता था ऑनलाइन की कुछ टॉपिक्स नहीं हो पा रहे क्लियर, और सबसे बड़ी हमें क्या प्रॉब्लम्स आती थी कि बच्चों के एग्ज़ाम कैसे होंगे, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का कुछ और सिलेबस था, उससे पहले कुछ और था, फिर हमें यही रहता था कि हम इनको जो है हर एक तरह से करवाएं, हर एक पैटर्न से करवाएं, वीडियो कॉल से, वीडियो बनाकर, कई बार हम स्कूल में भी आते थे, स्कूल में हमने ब्लैक बोर्ड यूज़ करके वैसे पढ़ाना। तो बहुत वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते थे, या ब्लैक, जैसे स्कूल में अगर बात करें तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते थे, तो घरों में बैठ के आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करते थे, पर ये आपके लिए मुश्किलें होंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें नहीं आती थी कि बच्चों को पढ़ाई में कहीं ना कहीं प्रभावित जी? मुश्किलें तो बहुत आती थी, लेकिन इन बच्चों ने, कुछ ऐसे बीच में बच्चे होते हैं क्लास में कि वो क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन करते हैं उनके क्वेश्चन के जब आंसर हम देते हैं तो बाकी बच्चों को भी बेनिफिट। मैं बात करूंगा, केवी स्कूल में मैं पढ़ता था, आपने मुझे भी पढ़ाया है, तो क्वेश्चन तो मैं भी नहीं करता था। हाँ जी, लेकिन ये था कि क्वेश्चन आप नहीं करते थे, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स थे वो क्वेश्चन करते थे, इससे क्या होता था आप भी वो आंसर सुनते थे, तो आपका भी वो सॉल्व हो जाता था क्वेश्चन जो भी। थैंक यू। मैम आप बताएं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स पे कि आपने जो पढ़ाया था आज वो आपका नाम रोशन कर रहे हैं? पहले तो मैं बड़ी दीदी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये जो भी रिजल्ट आया है, चाहे 12th का आया है चाहे 10th का आया है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीदी जी की जो गाइडेंस हमें टाइम टू टाइम मिलती रही, क्योंकि ये पैंडमिक जब शुरू हुआ तो सबके सामने यही प्रॉब्लम थी कि कैसे मैनेज करना है, कैसे क्लासेस, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये एक बहुत डिफ़िकल्टी थी सभी के लिए, और बच्चों के लिए, हम सब के लिए एक नई चीज़ थी कि हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन बड़ी दीदी जी ने, जितेंद्र सर ने जो हमें बताया कि आपको किस तरीके से ये, जैसे गूगल मीटिंग हम करते हैं, गूगल मीट पर हम पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप गूगल मीट पर किस तरीके से क्लास मैनेज करोगे, इन्होंने हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी, हमें चंडीगढ़ से स्पेशली हमारी ट्रेनिंग करवाई, तो ये एक नई चीज़ हम लोगों के लिए थी, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि दीदी जी का हमें सपोर्ट मिला इसमें पूरा, और बच्चे जो थे वो तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि जो उनका हमारी सपोर्ट था, पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, वो इसमें ओवरऑल जो रिजल्ट आया है, सब लोगों ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। दीदी जी पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। दीदी क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी दिनों के बाद आपके चेहरे पर खुशी नज़र आई है, क्योंकि आपने 12th में भी आपके स्कूल में टॉप किया, 10th में भी आपके स्कूल में टॉप किया, रही बात स्टूडेंट से, जब मैं बात कर रहा हूँ या पेरेंट्स से कर रहा हूँ या टीचर्स से, सभी ने यह कहा कि दीदी जी का आशीर्वाद था तो आज ये फल जो है बच्चों को मिला है, कितनी खुशी आज आपको हो रही है? देखो खुशी तो मैं हमेशा रहती हूँ,
लेकिन थोड़ी उदास थी इसलिए कि बच्चे स्कूल में नहीं आए। सबसे पहले तो मुझे बच्चे दिखाई दिए इसलिए खुशी है, दूसरा इन बच्चों का जो रिज़ल्ट आया है वो भी खुशी वाला ही है। लेकिन इसमें जैसे मेरे टीचर्स अभी बता रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम्स थी, हमें भी पता है, हमारा स्कूल कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था बच्चों को, तो पहले टीचर्स को गाइड किया फिर इन्होंने बच्चों को किया, तो बच्चों ने खूब मेहनत की। ये कई बच्चे तो ऐसे जो नर्सरी से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो मेरे को ये खुशी है कि इन्होंने इस कोविड में भी वो वाली रूटीन इन्होंने अपनी बनाए रखी तभी ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और पेरेंट्स का भी बड़ी हेल्प है, टीचर्स क्या करती थी, हमारे डेली अटेंडेंस लगती थी और पेरेंट्स को पता होता था कि आज मेरा बच्चा एब्सेंट है, दो चार एब्सेंट होती थी तो टीचर्स उनके घरों में फ़ोन करती थी कि आपका बच्चा क्यों एब्सेंट है। कई बार पेरेंट्स कुछ खींचते भी थे हमारे से लेकिन फिर भी हम उनका पीछा छोड़ते नहीं थे, तो उनको बार बार फ़ोन करते थे कि आपका बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है क्लास, फिर PTM हमने की सभी क्लासेस का फल तो आज मिला है सबको, सभी क्लासेस की PTM की 10th क्लास तक PTM की, पेरेंट्स को बताया। तो ये सब मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा ये मेरा नाम ले रही है, मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। क्या बात है, टीचर्स के लिए क्या रखना चाहेंगे क्योंकि टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की थी कोविड के दौरान? देखो टीचर ये मेरी जो है ये मिशनरी स्पिरिट वाली है, ये स्कूल मेरा नहीं है ये सबका है, ये स्कूल को अपना ही समझती है कि ये हमारा अपना स्कूल है, ये बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे स्कूल का एक अलग सा एटमोसफेयर है, फैमिली जैसे मेम्बर्स होते हैं और बच्चों को भी हम अपने बच्चों की तरह ही, क्योंकि शिष्य लोग भी बच्चे ही, तो इनको कहेंगे जो स्पिरिट इनमें है गुरुजी इनको और शक्ति दें ताकि अपने देश को हम अच्छे नागरिक दे सकें, अपने देश का भला कर सकें और अपने धर्म को बचा सकें, जिस जो आज हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो ये आने वाले बच्चों को हम ऐसे तैयार करें, या IPS ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। तो ऐसे भी है कि जब अभी भी BBSP का नाम लेते हैं, कहीं डॉक्टर्स ऐसे हैं, कहीं KAS ऑफिसर्स ऐसे हैं कि हम ब्रह्म शिवा स्कूल से पढ़ कर आए हैं। आज तक एक बच्चा हमारा IAS ऑफिसर बन गया, 4 ने KAS क्लियर की थी और 6 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं और उसमें एक लड़की है सोनाक्षी, वो सर्जन बनी है। तो मेरे को प्राउड फील होता है कि इन टीचरों के पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ से कहाँ। ऐसी बात नहीं, आपने एक बात कही ना कि बच्चे पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो कहीं भी होते हैं मेरे को मिलने आते हैं। देवरा सर कई बार कहते भी हैं कि आपको बच्चों के नाम भी याद है, मैं क्या क्यों नहीं याद होंगे, तो क्योंकि मैं खुद पहले पढ़ाती थी। ऐसा नहीं है, बच्चे इस तरह हमने तैयार किए हैं, उनको पता ये हमारा घर है। कल ही एक बच्चा आया था, कहते नहीं अब छोड़ के जा रहे, ध्रुव है उसका नाम, कि दीदी बड़ा फील हो रहा है हम स्कूल से बाहर कैसे जाएंगे। मैं कहा बेटा नहीं, वहाँ भी आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। क्या बात है, ऐसी बात नहीं जी। धन्यवाद जी, जिस तरह से आपको बता रहा हूँ मैं कि लगभग 5-6 दिन पहले जब 12th का रिजल्ट आया तो ब्रह्मेश स्कूल ने टॉप किया, और कल की बात करूँ तो कल लगभग 12 बजे के करीब जो 10th क्लास का रिजल्ट आता है उसमें भी ब्रह्मशी बाबरा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप करते हैं, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम जो कि रोशन करते हैं। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।